हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ये मेरा स्नेक प्लांट है। वैसे तो आपने देखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो ये एक ऐसा स्नेक प्लांट है जिसने ऑलमोस्ट पूरा गमला कवर कर लिया है, और ये टाइम है कि इसका डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करने के और भी तरीके हैं, बट फिलहाल मेरा टारगेट प्रोपोगेट करने का नहीं है। फिलहाल मेरा टारगेट है कि मैं इसका डिवीज़न करूँ, क्योंकि अगर इसको इस समय डिवीज़न नहीं किया गया तो ये पूरा गमला तोड़ देगा, क्योंकि इसमें अब और नए जो है शूट्स आने का जगह नहीं है। शूट्स जिनको हम पप्स भी बोलते हैं, राइजोम्स भी बोलते हैं, तो वो जब नए आते हैं तो उससे नए प्लांट्स बनते हैं। और इसको करीब 5 साल हो गए हैं, 5 साल में ये इतना बढ़ गया है। बीच बीच में 2-3 इससे 4-5 गमले भी तैयार कर लिए हमने, बट अब ये इतना भर गया है कि अब इसमें और नए पप्स आने की जगह नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये सारा का सारा ये प्लांट है ये निकालेंगे और इसको रिपोर्ट करेंगे किसी दूसरे गमले में। सबसे पहले हम ये जो गमला है ये पूरा का पूरा खाली करना पड़ेगा, और इसको खाली करने के लिए हम एक इस तरह की ये खुरपी का सहारा लेंगे। मेरे पास खुरपी ही है, आपके पास कुछ भी कील ऐसा कुछ हो तो इससे जो है इसकी सारी की सारी मिट्टी जो है निकाल लो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस गमले में कल काफ़ी पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता थी कि मैं ये करने वाला हूँ, और उससे इसकी मिट्टी थोड़ी ढीली हो गई है। और फिर भी अगर मुझे लगेगा कि ये नहीं निकल रहा है तो मैं इसमें और पानी डाल दूंगा, जिससे कि एक गमला आसानी से निकल आए। तो हम सिंपली इस खुरपी को इसकी साइड साइड में थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और मिट्टी ऑलरेडी जो है ढीली है तो निकल आएगी। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा भी आ नहीं रहा, तो मेरे पास ये पानी की बाल्टी है, तो मैं इस पानी की बाल्टी से इसमें पानी डाल दूँगा, क्योंकि याद रहे हमें ये डैमेज नहीं करना है। अगर हम इसको फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल तो आएगा ही, और बट डैमेज हो जाएगा, और डैमेज करना हमारा पर्पज़ है नहीं। तो आप देख रहे हो कि ये इतना ज़्यादा जो है डेंस हो गया है, कि पहले इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़बरदस्त था कि ऊपर से पानी डालो नीचे से निकल जाता था, अब नहीं आएगा पानी नीचे। और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पानी इसमें ऊपर थोड़ी सी जगह धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है इसकी वजह से इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें जगह ही थोड़ी सी है, थोड़ा सा ही पानी जाता है। तो ये पानी जब ले लेगा तभी ऊपर से और दे सकते हो। तो चलो कोशिश करते हैं इसे निकालने की धीरे धीरे। ये अब नीचे से पानी आ गया है इसमें, और ये पेड़ भी थोड़ा सा, ये प्लांट भी काफ़ी हल्का हो गया है। तो हम जब भी इसको निकालेंगे हमें हमेशा इसका पूरे प्लांट की सपोर्ट लेके इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दो के साथ अगर हमने हिलाने की कोशिश की तो ये टूटने का बहुत ज़्यादा डर है, और मैं इसको तोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ये देखो ये अब ये झुक गया है, ये बड़ा तो बहुत है लेकिन इसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है। ये देखो ये इतना ही होता है इसका रूट सिस्टम। तो अगर आप इसको किसी शैलो पॉट में लगाने की सोच रहे हो तो बड़ी खुशी खुशी लगा सकते हो, इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक जाती ही नहीं है, इसकी रूट्स ऊपर ही रहती हैं। तो ये हमारा ये प्लांट अलग हो गया है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको उठा के रख लेते हैं ऐसे, और फिलहाल इस गमले को हटा देते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो स्नेक प्लांट को हम किसी भी जिस पॉट में हम लगा रहे होते हैं, तो हमें वैसे तो ज़्यादातर जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक या दो प्लांट ही होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 15 से 20 प्लांट होंगे। तो एक गमले में मैं अगर एक लगाऊंगा तो 15-20 पॉट हो जाएंगे, और 15-20 पॉट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो एज अ थंब रूल आप समझ लीजिए कि किसी भी गमले को जब आप फर्स्ट टाइम पॉट कर रहे हो स्नेक प्लांट से, तो उसको 30% से ज़्यादा मत भरिए। यानी कि ये जो गमला है ये मेरा फुल भर चुका था, उसके बाद इसमें इतने हैं, तो मैं इसमें 4 से 5 प्लांट इसमें लगाऊंगा, 4 से 5 किसी दूसरे में, यानी कि मैं इसके टोटल 3 प्लांट बनाने वाला हूँ। चाहूँ तो मैं इसके 15-20 बना सकता हूँ, लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई टारगेट है। तो चलो फिर इसके कुछ प्लांट्स अलग कर लेते। प्लांट्स अलग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक नाइफ़ की, तो एक नाइफ़ लेके आते हैं। तो इसे अलग करने के लिए एक नाइफ़ है मेरे पास, तो इसके नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा बहुत धीरे 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 इसकी रूट्स को हम कट करके और इनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए एक अलग हो गया, ये
और इनको हम इसी में इकट्ठे करते जाएंगे। तो ये भी अलग हो गया है और ये भी मिट्टी है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये प्लांट भी हम वेस्ट नहीं करने वाले। चलिए फ्रेंड्स, तो एक पॉट ले लिया मैंने, जैसा ये है उसी तरह का एक पॉट है और इसके अंदर ये सॉइल मिक्स मैंने पहले से भर के रखा हुआ है। तो सॉइल मिक्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये देखिए ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और इसमें करीब 30% हमने कोकोपीट मिला रखा है। कोकोपीट मिलाने का पर्पज़ ये है कि इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आप इस गमले को देख रहे थे, इस गमले का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका था, तो अभी भी इसमें जो भी पानी भरा था वो अभी तक इसमें से नीचे नहीं गया है। तो अब हम जो रिपोर्ट करी ही नए हैं तो इसके लिए सॉइल की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी में हमें कंपोस्ट वगैरह इस सॉइल में मिलाने की एक्चुअली बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो तो फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली ये जो है स्लो ग्रोइंग प्लांट ही अच्छा है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा कि ये थोड़ी सी मिट्टी जो है निकाल लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो प्लांट रखने के बाद जब ऊपर से थोड़ा बहुत दबाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, तो वो ये लीजिए। तो इसको गमले को मैंने ऑलमोस्ट जो है 50% से थोड़ा सा कम भर लिया है, ये देखिए इसको करीब ये देखो इतना भर लिया है मैंने। और इसमें इनको सिंपली प्लेस कर दूंगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है नहीं लगाना है डीप। तो एक पौधा ये, तो मैं इसमें से देखो ये अगर देखें तो टोटल 3 प्लांट्स हैं ये, और एक ये है 4, और ये हटा देता हूँ मैं, और एक ये 2 इसमें लगा देता हूँ। और इतना ये देखिए मैंने जो बोला था ना 30%, तो 30% के लिए इतने ये दोनों काफ़ी रहेंगे, ये दोनों गमले को काफ़ी अच्छे से कवर कर देंगे, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल के लिए हम इन गमले को पकड़ के इनको थोड़ा सा सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन्हें मिट्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये सीधा रहना मुश्किल है इनका। ये जो स्नेक प्लांट है इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है एक्चुअली, अगर आप प्लांट्स की बहुत ज़्यादा जो है रेगुलरली केयर नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे प्लांट्स चाहिए जिनको आपको चाहिए कि भाई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करनी पड़े, रोज़ाना का पानी डालो, रोज़ाना दवाई छिड़को, रोज़ाना फर्टिलाइज़र डालो, या फिर हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र डालो, तो ये सारी चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर शेड्यूल और समथिंग, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये स्नेक प्लांट बेस्ट है, क्योंकि स्नेक प्लांट के लिए कोई इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा और स्टडी करने के लिए मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट देनी पड़ रही है, क्योंकि ये प्लांट अपने आप में इतना बड़ा है कि ये इसकी सपोर्ट के बिना ये रुक नहीं पा रहा। बाकी इसमें सॉइल की क्वालिटी इतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं है, यानी कि ये सर्वाइवर है। आप इसको अगर समर्स में बात करें तो समर्स में ये 15 दिन तक आप इसमें पानी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, और विंटर्स में तो आप इसे 1 महीने में 1 बार ही पानी दें, उससे ज़्यादा जल्दी पानी नहीं दें। अब ये खड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि मिट्टी गीली है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है, जब तक हम मिट्टी को सुखा नहीं लेते तब तक इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। और क्योंकि ये नया नया लगाया है, मिट्टी ने अभी इसकी जो रूट्स हैं इन्होंने अभी पकड़ नहीं की है, तो एटलीस्ट इसको 15 से 20 दिन तक हमें इसके साथ थोड़ा काफ़ी सॉफ्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स इसकी ऊपर ही रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नीचे रूट्स हैं नहीं इसकी। लेकिन अगर इसमें बीच में 1 या 2 बार पानी डालने का मन करे तो इसमें बहुत ही लाइटली एक किसी गिलास या मग से पानी डालना, पाइप से पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करें। तो ये मेरा प्लांट जो है पॉट हो गया है, बाकी सब मैं किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगा। ये हमारे प्लांट की रीपॉटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको 1 या 2 दिन तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पानी डालने के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि मिट्टी ज़्यादा सूख गई है तो ही हम इसमें थोड़ा बहुत 1 गिलास पानी डाल देंगे, नहीं तो वो भी नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है 4 दिन बाद का अपडेट, ये उस दिन हमने शाम को प्लांट उठा के यहाँ बालकनी में रख दिया था, और उसके बाद से प्लांट ऐसे ही रखा हुआ है, पानी भी नहीं डाला। देखो आप इसमें देख सकते हो मिट्टी लगी हुई है, इसको वॉश भी नहीं किया, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा जाएगा तो प्लांट के हिलने डुलने का डर है। तो अब ये प्लांट काफ़ी स्टेबल लग रहा है, तो जैसा देख सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन है वो सक्सेसफुल रहा है, प्लांट काफ़ी हंसता खेलता दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा गार्डनिंग का इस वीक का अपडेट, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन है नीचे उसको ग्रे से ब्लू कर दीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस सब्सक्राइब के बटन को वो जल्दी से क्लिक करिए, और क्लिक करते ही उस पर घंटी का बटन आएगा, तो वो घंटी आपको बजाने के लिए है, तो घंटी आप बजा दोगे तो आपको
नेक्स्ट टाइम से मेरे ब्लॉग्स या मेरी कोई भी गार्डनिंग अपडेट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही मेरी गार्डनिंग में कोई भी अपडेट होगा वो आपको पता चल जाएगा।